हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोदक की एक बहुत यमी सी रेसिपी। इसमें हम चीनी यूज नहीं कर रहे हैं और बहुत जल्दी बनने वाले इंस्टेंट मोदक हैं। ये देखिए, हमने ये पौना कटोरी लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, कोकोनट का बुरादा, बुरा जो भी आप कहें। ये मैंने 3 चमचे लिया है, 3 सर्विंग स्पून, और 1 सर्विंग स्पून ये मिल्क पाउडर लिया है। यानी एक भाग ये लेना है आपको और तीसरा भाग आपको ये लेना है। 10 से 15 काजू हैं और मैंने किशमिश जो है 10 से 15 किशमिश को ऐसे बारीक काट लिया है। और ये मेरे पास डेट्स का, बहुत सॉफ्ट डेट्स का डब्बा है जिसको मैं यूज कर रही हूँ। इसके मैंने डेट्स निकाल लिए हैं और ये कुछ बादाम भी मेरे पास कटे हुए रखे हैं, 1.5 टेबल स्पून है, मैं वो भी यूज कर रही हूँ। ये जो है मोदक का सांचा है जिसमें मैंने ऑलरेडी घी से इसको ग्रीस कर लिया है, तो जब आप बनाएं तो ये सब तैयारी करके रखें। अब हम इन खजूर में से बीज को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम प्लेट में डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, उसके बाद मिल्क पाउडर डालेंगे। बहुत झटपट बनते हैं, इधर आप सोचेंगे और इधर आप ये तैयार कर लेंगे। बच्चों को लगाइए अपने साथ, जब फेस्टिवल्स में आप हेल्प लेते हैं ना बच्चों की, बड़ों की, तो अपने आप ही एक पॉजिटिविटी आती है और घर में त्योहार का माहौल बन जाता है। और ये जो इतने सॉफ्ट हैं ये डेट्स, मैं आपको दिखाऊं, देखिए ऐसे हाथ से मैश हो रहे हैं, तो ये ना बाइंडिंग का काम करेंगे। इसमें से आप गुठली को निकाल दीजिए और ऐसे इसमें डाल दीजिए, ऐसे गुठली निकाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए। तो जितने आप डालेंगे ना, जैसे मैंने 8 पहले लिए हैं तो 8 डेट्स डालकर देख लूंगी कि बाइंडिंग हो रही है क्या। अगर नहीं हो रही है तो आप और डेट्स डाल दीजिए। तो इसमें हम चीनी भी नहीं डाल रहे हैं, तो एक तरह से ये हेल्दी वर्जन हम मोदक का बना रहे हैं। और इसको करेंगे अब हम हाथ से मिक्स। ये जो हमारे पास बादाम का पाउडर है ना, बादाम कटे हुए हैं और 1 चम्मच के करीब पाउडर है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको ना हाथ से ऐसे आपको मैश करना पड़ेगा, तो 2-3 मिनट लगेंगे इसको मैश करने में। दोनों हाथ से आप ऐसे इसको मैश कीजिए और बाइंडिंग तक लेकर आइए। देखिए ये इस टाइप से ना बाइंड होना शुरू हो जाएगा। तो एक खुली थाली या खुला परात या बर्तन लें जिसमें देखिए ये इस टाइप से, जहां आपको ये बड़े चंक्स दिखे ना उनको आप हाथ से ऐसे मैश कर दीजिए। तो ये देखिए बाइंड होना शुरू हो गया ना, तो ये परफेक्ट है। और हम इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। तो ये देखिए ये एक डो की तरह ना हमारा बिल्कुल अच्छे से लगकर तैयार हो गया है। हमने इसका मीठा ना चक्कर देखा है, बिल्कुल परफेक्ट है। यानी 9 से 10 डेट्स जो हैं वो हमारे इसमें यूज हो गए हैं। और अब हम इसका सांचा जो है इसको निकाल लेते हैं, इसमें इसकी करते हैं फिलिंग, आधा इधर रखेंगे आधा इधर, और ताकि लाइंस का डिजाइन ना बहुत अच्छे से बन जाए। तो आप अंगूठे की सहायता से इसको दोनों तरफ से ऐसे पैक कर दीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। इसको करेंगे हम बंद, सील करेंगे इसको ऐसे, और जो एक्स्ट्रा इसका है ना ये हम निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा बाहर निकल गया है मटेरियल, उसको हम निकाल लेंगे, लेकिन यहां से भी हम अंदर इसको दबाएंगे। वैसे ये स्टिकी है थोड़ा, तो अंदर गैप नहीं है, ऑलरेडी ये भर गया है, तो बाकी एक्स्ट्रा हम यहां से भी निकाल देंगे। और अब हम इसको खोलते हैं। ये देखिए क्या शाइन है और कितना अच्छा कलर आया है, व्हाइट काजू हैं, ब्राउन डेट्स हैं, और कितना हेल्दी है ये। आपने ऊपर से चीनी नहीं डाली, शुगर नहीं डाली, और ये कितना बढ़िया तरीके से ये निकल कर तैयार है, परफेक्ट बना है। एक और हम इसी तरह से बनाते हैं, इस बार आप जरूर बनाइए। कितने आसान है, ना कुकिंग की जरूरत है, ना आपको कोई मावा खोआ कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत है। जो है आपके घर में उसी से बनाइए, मिल्क पाउडर हम लोग रखते ही हैं। और फटाफट बनाकर ये मोदक आपकी शान में 4 चांद लगा देंगे। फटाफट बनाइएगा। ये देखिए इसको करेंगे पैक अच्छे से, और बस ये इतना आसान तरीका है यमी से मोदक बनाने का। इसको खोल लेते हैं और ये देखिए परफेक्ट।
आप बाहर से क्या लाएंगे मोदक, बाहर का आपको पता भी नहीं होता है बाहर की मिठाई में क्या डला होता है, इसमें सब आपको पता है कितना न्यूट्रिटिव आपने इसको बनाया है, और जो बनाने के बाद खुशी होती है वो अलग। तो ऐसे ही हम सारे मोदक बना लेते हैं। तो ये देखिए है ना यमी से, कितने बढ़िया बनकर तैयार हैं। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ऑटोमेटिकली इसमें डिजाइन आ गया है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।